आज की जो हमारी वीडियो होने जा रही है वो अमेरिका के बेसिस जो पूरी दुनिया में है, आर्मी बेसिस कहाँ कहाँ पर हैं, कितनी फोर्स वहाँ पर तैनात है, कब से हैं और क्यों हैं, हम उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, अमेरिका का जो सबसे शुरुआती बेसों में से एक है वो है जो इटली में है। इटली के सिसिली में 1990 में एक अमेरिका ने बेस स्थापित करा था जिसमें 11,500 सैनिक उस टाइम में थे, फिर प्रेजेंटली 3,500 तक वो रह गए हैं। देखिए, अमेरिका के इस वक्त दुनिया में दो बड़े दुश्मन हैं, एक ईरान एक चाइना। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने पूरी जहाँ जहाँ उनकी दोस्ती थी वहाँ पर बेस की शुरुआत करी और काफ़ी बेसेस उन्होंने वहाँ पे बनाए। देखिए, ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने इराक में बेस बनाया, सीरिया में बनाया, जॉर्डन में बनाया, कुवैत में बनाया, बहरीन में बनाया, कतर में बनाया, यूएई में बनाया, ओमान में बनाया, सऊदी अरेबिया में बनाया। सीरिया में प्रेजेंटली इनके 8,000 सैनिक तैनात हैं, इराक में 6,000, टर्की में 2,500, जॉर्डन में 300, कुवैत में 13,000। कुवैत मिडल ईस्ट का यूएस का बहुत बड़ा बेसों में से एक है जहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट है। कुवैत यूएसए को तेल देता है, उसके बदले कुवैत की अपनी आर्मी नहीं है इसलिए यूएस आर्मी ही कुवैत की सुरक्षा करती है। कुवैत में अमेरिका के इस वक्त 13,000 सैनिक तैनात हैं, बहरीन में 7,000 हैं, कतर में 13,000 फिर से हैं। कतर की भी अपनी आर्मी नहीं है, और अगले साल आपको बताइए इसी साल होने वाले थे, अब वो शिफ्ट हो गए, फीफा वर्ल्ड कप है कतर में, तो उस हिसाब से भी वहाँ सुरक्षा चाहिए। यूएई में 5,000, ओमान में 600 हैं, सऊदी अरब में 300 हैं। सऊदी अरब और ओमान की अपनी फोर्सेज हैं और ओमान की कोई ऐसी टेंशन भी नहीं है, पर सऊदी अरब की अपनी फोर्सेज हैं, पर दोस्ती में 300 तादाद वहाँ पर तैनात है। हालांकि यूएस की जो बेसिस हैं पूरी दुनिया में उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, इसीलिए वो जगह जगह पर उन्होंने अपने बेसिस बनाए हुए हैं। अगर हम इटली की बात करें, 11,500 से इस वक्त वो 3,500 पे अपनी क्षमता को ले आए हैं। जापान में अगर हम बात करें, एक टाइम था कि जापान में अमेरिका के 100 से ज़्यादा बेसिस थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, जो कि कम होते 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 आज 30 बेसिस पर जापान में अमेरिका की फौजेस हैं। होंडुरस में, होंडुरस एक बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो इस्थमस जो कनेक्ट करता है उस पर एक कंट्री है, वहाँ पर भी इनका एक बेस है। 2009 में जो होंडुरस में मिलिट्री काउप हुआ था उसमें भी यूएस फोर्सेस का हाथ था। होंडुरस में अमेरिका का बेस 1982 से है। फिर एक अफ्रीकन कंट्री है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो में भी अमेरिका का बेस है। बुर्किना फासो में अमेरिका का बेस काफ़ी पुराना है और पूरे अफ्रीका के अंदर इंटीरियर्स में जहाँ भी यूएन पीस कीपिंग की फोर्सेज हैं या अमेरिका की खुद की फोर्सेज हैं, उन सब फोर्सेस को जो ट्रेन करता है अमेरिका या जो उनका एक तरीके का अड्डा है, जो बेस कैंप है, वो बुर्किना फासो में है। इराक में जो अमेरिका का बेस है वो आपको पता ही, आईएसआईएस की वजह से 2011 से और उससे पहले सद्दाम हुसैन के टाइम से, एक टाइम पे इराक में अमेरिका के 505 बेसिस थे जिनको घटा घटा के आज 5 बेसिस तक ले आया गया है। और इराक के जो बेसिस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण बेसिस हैं मिडल ईस्ट के, क्योंकि ईरान जस्ट राइवल है यूएसए का, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए या और चीज़ों के लिए, इसी वजह से इराक का बेस काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी आपने देखा भी होगा जब ईरान के जो जनरल थे सुलेमानी, उनको जब मारा गया था तो ईरान ने जो अमेरिका पे स्ट्राइक करी थी वो इराक के बेसिस पे ही करी थी। अलसद जो बेस है यूएसए का इराक में, उसके ऊपर ही हमला करा गया था जब अमेरिकन सोल्जर्स की ब्रेन सर्जरी भी हुई थी जिसके बाद, और काफ़ी सोल्जर्स मरे भी थे। हालांकि ये खबर मुख्यतः अखबारों ने छापी नहीं थी, पर जो मेन अखबार थे गार्जियन वगैरह, उन्होंने इसको रिपोर्ट किया था। देखिए, थाईलैंड जैसे देश में भी एक बार यूएसए ने बेस बनाया था, जब अफगानिस्तान में तालिबानियों से यूएस लड़ रहा था तो थाईलैंड को उन्होंने एक बेस कैंप के रूप में चुना था। हालांकि इस वक्त थाईलैंड में अमेरिका का कोई भी बेस नहीं है। फिलीपींस तक में भी अमेरिका का बेस है, 6,000 की स्ट्रेंथ है, 1990 से यहाँ पे काम कर रहा है। अब एक जो बेस सीरिया, क्योंकि आईएसआईएस इराक के साथ साथ सीरिया में भी था
और सीरिया का जो उनका बेस है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो सीरिया, इराक, टर्की, इन सब में कुर्दिस्तान की मांग है, और कुर्दिस्तान इराक में भी है, सीरिया में भी है, और टर्की थोड़ा विरोध करता है। कुर्दिस्तान की वजह से अमेरिका सपोर्ट करता है इंटीरियरी कुर्दिस्तान के फाइटर्स को, कुर्द लोग जो होते हैं, पब्लिकली मना कर देता है अमेरिका की फोर्सेस की मदद। आईएसआईएस की लड़ाई में कुर्दिस्तान के लोगों ने बहुत ज़्यादा की है, पर अमेरिका ने उनको बाद में बेकार छोड़ दिया और उनकी कोई मदद उन्होंने ऐसी की नहीं। फिर आते हैं उनके जॉर्डन के बेस पे। जॉर्डन में जो उनका अमान से 80 किलोमीटर एक दूर एक बेस है, जिसमें स्ट्रेंथ वाइज तो 300 सोल्जर ही तैनात हैं, पर जॉर्डन जो है कोई इतना खास इम्पोर्टेंट मुल्क अमेरिका के लिए है नहीं, पर एग्रीमेंट के तहत वहाँ पे 300 सैनिक जस्ट फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स उन्होंने तैनात कर रखे हैं। मेनली मिडल ईस्ट, अफ्रीकन देशों में यूएसए के जो बेसिस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और उनमें डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हैवी है। उसके कारण काफ़ी हैं। एक तो जितनी भी वर्ल्ड में ज़्यादातर टेंशन हैं वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में या अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अब ज़्यादातर जो देखेंगे आतंकवादी संगठन दुनिया भर में जितने भी हैं वो या तो मिडल ईस्ट में होंगे या अफ्रीकन कंट्रीज़ में होंगे। इसी वजह से यूएसए का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर थोड़ा हैवी रहता है। एक बार ट्रंप ने कहा भी था कि अमेरिका वर्ल्ड पुलिस की तरह एक्ट कर रही है दुनिया भर में, और वो उनकी बात कई हद तक सही भी है, क्योंकि आप जहाँ भी कोई भी टेंशन उठा लें वहाँ पर अमेरिका की फ़ौज आपको ज़रूर मिलेगी। लोग कह सकते हैं कि बिज़नेस है, व्यापार है, पर जब भी डिप्लॉयमेंट तो पूरी दुनिया में अमेरिका के फोर्सेस का है ही। आप शायद ना जानते हो कि यूएसए का आर्मी का एक बेस टर्की में भी है। हाँ जी, यूएस टर्की की इतनी टेंशन है, उसके बाद भी यूएस का एक आर्मी बेस टर्की के अंदर भी है, और जो कि मिडल ईस्ट के लिए निगरानी करता है, क्योंकि टर्की नाटो का एक अलाय है, यूरोपियन यूनियन का, यूरोप का भी हिस्सा है और नाटो का तो अलाई है ही है। इसी वजह से टर्की में भी उनका एक बेस है जो कि ऑपरेशनल है, और वहाँ पर 2,500 से 3,000 की गैदरिंग यूएस सोल्जर्स की विद आधुनिक वेपन्स, हथियार, जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट उनके वेपन्स हैं उनके साथ वहाँ पर वो मौजूद हैं। देखिए, इनके अलावा यूएसए का एक दुश्मन और है दुनिया में, वो है चाइना, और चाइना को कंटेन करने के लिए उन्होंने इंडियन ओशन में बेस बनाए हैं, और उनमें से जो उनका सबसे मेन बेस है जो इंडियन ओशन कवर करता है वो है डाइगो ग्रासिया, या डीगो ग्रासिया जिसको बोलते हैं, जो इंडियन ओशन में उनका एक बेस है आर्चिपेलेगो में, और ये बेस भी काफ़ी पुराना है, इसके ऊपर विवाद भी है हालांकि ब्रिटेन से उनका, कि ब्रिटेन से मलेशिया और मलेशिया से फिर ब्रिटेन और ब्रिटेन से अमेरिका। ये डियागो ग्रासिया बेस की उनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। इसी तरीके से दुनिया भर में अमेरिकन आर्मी की प्रेजेंस है। ये वाला बेस इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए इंडिया के जस्ट नीचे है। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आपको ये सारे बेसिस की बताने की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें और चैनल से भी जुड़ें। थैंक यू।